क्या बेबी तू मुझे स्टॉक कर रहे हो? तुम पागल पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ है? ऐसा कैसे भूत चढ़ा हो तुम? ऐसी ढीठ थेथर क्यों हुई हुई हो तुम? ऐसा लग रहा है ना मैप में देख के कि तुम घोड़े के ऊपर हो, गाड़ी से भी नहीं मिल रही हो तुम। मैप में तुम्हारी लोकेशन जो घूम रही है ना यूं करके, ऐसा लग रहा है कोई शराबी जा रहा है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, पीछे पीछे, आगे क्रॉस, ऊपर यू टर्न। ऐसा लग रहा है कोई शराबी शराब ढूंढ रहा है, उसका टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ अपना जिम जाने के लिए एकदम। आज जिम जाऊंगी, कल नहीं जा पाई थी, आज जाऊंगी। कल बहुत ज्यादा काम हो गया था, इधर उधर की चीजें हो गई थी। आपने देखा रात को आए हम लोग 9:30 बजे, तो कल का दिन तो ऐसे ही निकला। आज जिम जाऊंगी। अमिता बना रही है मेरे लिए यहाँ पे ओट्स का चीला, ओट्स का ऑमलेट, और साथ में ही मुझे मिलेगी मेरी कॉफी। कॉफी पीऊंगी और फिर जिम निकलूंगी। क्या हुआ है? ये इनका सुबह से ही कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। आज आधा घंटा चेरी और कोको अमिता के साथ खेले हैं बॉल लेके। आज कोको अपना टॉय लेके खेला है और चेरी अपना बॉल लेके खेली है। देखो देखो क्या चल रहा है इनका। ओए गधे, अच्छा अरे 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 भाई, फिर कोको को भी तो कोई नहीं पूछता है ना भाई। कोको भी क्या गए हैं, है ना? कोको यहाँ फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है ना कोई समय। कोको का फ्रेंड नहीं है ना कोई भी। फ्रेंड बन जाएंगे हम, ठीक है? लेकिन फ्रेंड बनने के लिए ना बदतमीजी से दूर रहना पड़ता है, ऐसे फिर फ्रेंड्स नहीं बनते, ठीक है? आप चुनचुन के साथ फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको तंग करते हो, ठीक है? आप पूरा अपना भार उस पे डाल देते हो खेलने के चक्कर में। वो है छटांग, वो भी आ गई। ये देखो ये देखो ये, ऐसे भी दोस्ती नहीं होगी ना आपकी। ऐसे कट्टी कट्टी करोगे तो दोस्ती नहीं होगी ना बेटा, है ना? और चुनचा की मम्मा सब वॉच करती है, बेटी के साथ कोई भी गलत करे ना। वो देखो कुछ खाने को आया तो उधर ध्यान पूरा है। चलो बदतमीजी नहीं। अविनाश आई गेस सो के उठ गया, आज दिन तैयार होएगा तो बाहर आएगा, फिर आपको मिलवाती हूँ। और मैं भी मिलती हूँ, मिली नहीं हूँ इस आदमी से मैं तो। जी मुद्दतों के बाद आज जिम की बारी है। आज जिम में अपने आप को तोड़ूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा फिर से ट्रैवल शुरू हो रहा है। और आपसे मैं पूछूंगी भी कि हमें क्या उस ट्रैवल का व्लॉग करना चाहिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो व्लॉग देखने के लिए? क्योंकि वो रिपीटेड ट्रैवल होगा, क्यों? और आप लोगों को पता नहीं पसंद आए नहीं आए, होता ना कि अरे आप वही जगह पे दोबारा चले गए क्या? यार हमारा भी तो दिल करता है ना, कोई जगह हमें अगर अच्छी लगी है और हमारा दिल कर रहा है वहाँ पे जाने का तो हम जाएंगे ना। कई लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं इस चीज के लिए, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि हम लोग जब दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं और रिपीटेड ट्रैवल होगा तो क्या उसका व्लॉग करें? आप ये बता देना। तो आप कहोगे तो करेंगे, सिर्फ जगह सेम होगी लेकिन वहाँ पर स्नोफॉल होगी। मैं तो जाने वाली हूँ, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया था, लेकिन आप बता देना वहाँ का व्लॉग करना है या नहीं करना है। आर यू इंटरेस्टेड और नो? फिलहाल मैं चली जिम के लिए, आप उस दूर आदमी से आप मिल लेना, बीच में व्लॉगिंग कर ही देगा वो, उसको टाइम मिलेगा तो, और मैं आपको मिलती रहूंगी। तो जी दोस्तों, संभावना चली गई वर्कआउट के लिए। मैं आया था किसी काम से, काम खत्म करके मैंने सोचा थोड़ा पेट्रोल भरवा लूं, क्योंकि गाड़ी कल सर्विसिंग में जाने वाली है और बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। फुल मुझे करवाना नहीं था क्योंकि कल सर्विसिंग में जाने वाली है। और मैंने पेट्रोल डलवाया 1000 रुपए का। उससे पहले भी ये कांटा ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही है, किलोमीटर्स भी नहीं बढ़े। और उन्होंने मुझे 2-4 तरीके के बिल पकड़ा दिए कि सर आपको विश्वास नहीं होता, ये बिल ले लो, पेट्रोल का बिल ले लो, फलाना बिल ले लो, ढिमकाना बिल ले लो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कुछ तो धांधली हुई है मेरे साथ। कोई ऐसा नहीं हो सकता, एक लाइट भी ना बढ़े 1000 रुपए के पेट्रोल में, मतलब कि 9.41 लीटर पेट्रोल मुंबई के रेट के हिसाब से बहुत होता है यार। एक बत्ती तो ऊपर जानी चाहिए थी। कह रहे सर चला के देख लो, गाड़ी थोड़ा हिलेगी तो पता चलेगा, तो ये ऐसा थोड़ी होता है यार। जब भी पेट्रोल भरवाया तुरंत उसका मीटर ऊपर जाता है। चला के क्या ये 90s चल रहा है क्या कि गाड़ी हिला के देखना पड़ेगा पेट्रोल है कि नहीं चेतक के स्कूटर में? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। घर पहुंचता हूँ गाड़ी लेके, अगर वहां पे फिर भी मुझे लगा कि ऊपर नहीं गया तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। भाइयों पेट्रोल पंप का आप लोग थोड़ा ध्यान दो, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी देखा था कहीं, वो जीरो वीरो देखने वाला वो गया कि अगर आपने जीरो देख लिया उसमें मशीन में तो आपका सही पेट्रोल जा रहा है। नहीं, ये लोग नए नए तरीके निकालते रहते हैं धांधली करने के। अभी तक भी देखो कितनी गाड़ी मैंने चला ली। क्या हुआ है आप ही? मैंने बेटा मैं यहीं हूँ, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना। आइए
यहाँ पे आप जरा चेरी को देख लो। ये ऐसी कौन लेता है भाई, ऐसी कौन लेता चाहिए, इतनी इतनी हैप्पी हैप्पी हो गया आप, ऐसी कौन कहते चाहिए जो मिला बच्चा मिला गुड्डू चकचबा वापस आ गई मैं जिम से। और जिम से आज से मैंने डिसाइड किया कि दिन में मैं जिम करूंगी और रात को जितना भी हो पाएगा मैं थोड़ा बहुत वॉक करूंगी, ज्यादा नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा उतना वॉक करूंगी, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए कुछ ये करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ट्रैवल वगैरह बीच बीच में हो जाता है फिर वो टाइम रह जाता है। तो जितना मैं मैक्सिमम जब मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ उतना मैं टाइम अपने जिम और एक्सरसाइज को दे दूँ तो उतना अच्छा है। तो दिन में ये करूंगी, जिम करूंगी और रात को थोड़ा सा वॉक करने के लिए मैं आज से सोच रही हूँ। भैया कितना पॉसिबल हो पाएगा भाई मुझे भी पता नहीं, लेकिन कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी। है ना कोको, मम्मा थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा कर ले क्या? ए, इतनी मोटी मोटी आंखें, इतनी मोटी मोटी आंख किसकी होती है भाई? ये देखो जरा इसकी आंख, आंख दिखाता है, आंख दिखाता है। तो जी मुझे कुछ सामान लेने के लिए नीचे जाना है। एक्चुअली आ तो वो फोन पे भी सकता था लेकिन छुंछा का मूड बहुत खराब है तो अविनाश ने बोला उसको देखो वो ना पता नहीं आजकल ना वो लिटरली ना धक्के मारती है, आपको मारती है कि मत बात करो। लिटरली मेरे साथ उस दिन क्या करी, तेरे साथ भी यही करी। हाँ, अभी पता है क्या हुआ, अभी आपकी फोन पे थी तो भैया के पास गई थी। हाँ, तो वो भैया को बताने गई थी कि मम्मी बात नहीं कर रही है तो वहाँ बता के आई है इसलिए वो लेके आया। उस दिन इसने क्या किया, पहले ये मेरे पास आई फिर ये अविनाश के पास गई और बैठ के ना ऐसे ऐसे धक्के मार रही थी और फोन पे मार रही थी कि हटा फोन। ना मैंने सुना ना विनाश ने सुना, फाइनली वो अमिता के पास गई है और फिर ये भी फोन में थी और वो करे तो करे क्या। लिटरली उस दिन हद हो गई यार, हम लोगों ने जो इसको उस दिन देखा है ना कि यार ये लिटरली ह्यूमन बेबी है यार, शी इज नो लेस देन अ ह्यूमन। इसको पकड़ छछुंदर को, इसको लेके जाती हूँ। चलो मामा, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा ही लगेगा ना कि मैं घूमी घूमी करने जा रही हूँ मम्मा के साथ। जाना तो नीचे ही है सर, थोड़ा सा सामान लेना है। लेकिन वो देखो कुछ इनको डॉग कैफे वगैरह ले जाऊंगा, आज हुआ तो आज ले जाऊंगी वरना कल लेके जाती हूँ इनको। दिल तो है इनको डॉग कैफे लेके जाती हूँ। थोड़ी मेरी बेबी की भी आउटिंग हो जाएगी ना दीदी, वही भी आउटिंग आउटिंग हो जाएगी। मामा के साथ घूमी घूमी जाना है, जाना है मामा के साथ घूमी घूमी। आओ आ जाओ। हैप्पी हैप्पी डॉगी, हैप्पी हैप्पी, आई एम अ हैप्पी हैप्पी डॉगी, बी हैप्पी। ये मेरी चमगादड़, ये मेरी बैटमैन, ओह मल्टीग्रेन बैट। दो नेस्ले मिल्क दे देना, हाँ एक वॉलनट दे देना। ये कितने का है? ये तो आधा किलो है। चलो यही दे दो फिर। मंचू पिंचू बॉल लेके छब आए हुए भाई, टाइम हो गया हमारा, नीचे खेली खेली काम क्या करें। आ जाओ चलो चलो मम्मा के छान। इसकी दूसरी बॉल ले अमिता, चलो चल तो रही हूँ और क्या करूँ, ये ना सबसे ज्यादा शैतान है। चल तो रही हूँ, ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं साथ में, चल रहे हैं सब। चलो देख कितनी बड़ी छिपकली है ये देख, वो अपने आप हट जाएगा, उसको कुछ नहीं करते हैं। अरे पानी वानी में चला जाएगा, पानी हटाना पड़ेगा। ये देख पानी पी रहे दरिया के, बोरी छिपकली फट्टू। ओए वो अंदर भाग गई। नहीं आएगी भाई, फालतू में इतना डर रही है। आज से जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं रात को वॉक के लिए जाऊंगी तो मैं निकल जाऊंगी विदाउट इवन टेलिंग अविनाश, क्योंकि अविनाश को बोलूंगी ना तो रात को रात हो गई है ये नहीं जाना है वो नहीं जाना है वो सब करेगा, तो मैं उसको बताऊंगी नहीं। खाना खाऊंगी अभी अर्ली और निकल जाऊंगी अपनी वॉक पे। तो जी मैं अविनाश को बिना बताए मैं निकल आई हूँ, वो बिजी भी था राइटिंग सेशन में तो मैंने बताया नहीं और मैं निकल आई हूँ जब मास्क पहन के फटाफट आराम से अपना आधा पौना घंटा जितना वॉक किया जाएगा उतना करूंगी और उसके बाद घर जाऊंगी। हो सकता है तब तक भी उसको पता ना हो क्योंकि अभी तक वो बिजी ही है। आराम से ये देखो सड़कों में वॉक करती हुई मजे से, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। एक इनिशिएटिव लिया गया है मेरी तरफ से और उसके लिए मैं अपने आप के लिए घनघोर तालियां बजाती हूँ दोस्तों, मतलब तालियां आ जाएंगी बैकग्राउंड में आ जाएंगी।
दोस्तों मैं अभी अपना काम खत्म करके खाना खाने के लिए बैठा बाहर, मुझे लगा संभावना अंदर रूम में होगी, अंदर रूम में हाथ धोने तो मिली नहीं। अभी अभी अमिता ने बताया कि वो वॉक पे गई है, जबकि मैंने उसको इतनी बार मना किया है कि तू वॉक पे मत जाया कर अंधेरे में, खासकर एक्चुअली सेफ तो है मुंबई में, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधेरे में गाड़ियां चल रही इधर उधर और कई लोग फैंस वगैरह मिलते हैं रास्ते में जो अच्छे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो थोड़ी बदतमीजी भी करते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो ऐसे जाए। और अगर इसने मेरे को बताया होता तो मैं साथ में जाता, इसके मैंने बोला है वॉक करना हो तो बता देना मैं साथ में चलूंगा। और पता नहीं इसको क्या है कि करेगी तो 10 एक्सरसाइज दिन में एक साथ करेगी, जैसे जिम भी जा रही है, वॉक पे भी जा रही है, सब कुछ कर रही है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पे, मैं इसको फोन करूंगा, पूछूंगा कहाँ पे, फिर जाके पिकअप करता हूँ इसको मैं। इसका अपना ही स्वैग है। हेलो, कहाँ पे हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं वहीं हूँ जहाँ पे छोड़ के गई थी घर पे। अच्छा, मैं वॉक के लिए आई हूँ। वो तो मुझे पता चली गया तुम वॉक के लिए आई हो, लेकिन वॉक के लिए कहाँ वॉक कर रही हो? तुम गार्डन में क्यों नहीं गई? गार्डन में रात को नहीं जाया जाता ना, गार्डन बंद हो जाते हैं। तो इतना लेट जाना ही नहीं चाहिए ना कि गार्डन बंद ही हो जाए, तो फिर वॉक का मतलब ही क्या? मतलब कि गार्डन ये कह रहा है कि वॉक का टाइम खत्म हो गया, आप घर पे बैठो, सो जाओ जाके। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहूंगी। अब मैंने एक नया अपने आप को एक वो दिया है चैलेंज, कि मैं दिन में भी एक्सरसाइज करूंगी और रात को भी करूंगी। आपने अपने आप को जो भी चैलेंज दिया है उसे वापस ले लीजिए, ठीक है? और मुझे बताइए कौन सी सड़क पे आप है। अपनी लाइव लोकेशन भेजो बेबी, चुपचाप चलो। हाँ तो मैं रोक कहाँ रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइव लोकेशन मांग रहा हूँ, भेजो जल्दी। अब इसको इतना जुनून चढ़ गया कि मैंने खुद को चैलेंज दे दिया, फलाना कर दूंगी, ढमकाना कर दूंगी, सड़क उठा दूंगी, पुल गिरा दूंगी, ब्रिज बना दूंगी, खड्डा खोद दूंगी, ये सब बता के भी तो किया जा सकता है। और वॉक करने जाना है तो गार्डन में जाओ, मेरा ये कहना है। सड़क पे ऐसे वॉक करने का क्या मतलब है? या तो फिर ऐसी सड़क हो जहाँ पे भाई सेफ हो, जहाँ लोग वॉक करते हो, जो है लेकिन यहाँ से बहुत दूर है लोखंडवाला में। तो अभी जाता हूँ मैं उसको पिकअप करता हूँ वहां से, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। इतनी ढीठ हो रहा था ना कि आधे घंटे के बाद लोकेशन भेजी है मेरे को, जब पूरी उसकी वॉक हो गई है तब, कि अब आ जाओ लेने, वरना बीच में जाके मैं तंग करूंगा ना। दोस्तों अब निकला हूँ घर से, मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ अभी, और लोकेशन इसकी इतनी तेजी से चेंज हो रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि बाइक पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दिख रही थी, थोड़ी देर बाद वहाँ दिख रही है, कहीं ऑटो में तो नहीं घूम रही है और मुझे पागल बना रही है कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज तो ऑटो ही ट्रैवल कर सकता है, गाड़ी से तेज भाग रही है, इतनी स्पीड तो नहीं है इसकी दौड़ने की जितनी मैप बता रहा है। अभी पकड़ता हूँ, रुको, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर कहीं बता रहा है लोकेशन इसकी, आई भी ऐसी जगह ना जहाँ गाड़ी रुकने को भी जगह ना मिले, ऐसी जगह वॉक करने आई है। हे भगवान, ये कैसे सन्नाटेदार इलाके में वॉक कर रही है, इतनी तेज भाग रही है यार, कोई गाड़ी से नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं इसको, कौन सी वॉक है? देखो इसको रोड क्रॉस करने की क्या जरूरत थी जब मेरे को देख लिया। ऐसा कैसा पागलपन सवार है भाई वॉक का है? देख रहे हो कैसी डिठाई छाई हुई है, मतलब आज ही पतली हो जाऊंगी मैं, यही कसम, हर रोज थोड़ी थोड़ी खाली होती तो हो भी गई होती। तू मुझे स्टॉक कर रहे हो? तुम पागल पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ है? ऐसा कैसा भूत चढ़ा हो तुम, ऐसी ढीठ थे थर क्यों हुई हो तुम? अरे मैं गाने सुन रही, मुझे देख के रोड क्रॉस कर ले रही हो, भाग जा रही हो दूसरी तरफ, जैसे ही मैं आया यूटर्न लेने के लिए दूसरी साइड भाग गई। क्योंकि मुझे यूटर्न लेना था। कितना वजन कम कर लोगी आज में, कितना कर लोगी? अरे बात वजन कम करने की नहीं है, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा ना, हद से ज्यादा अपनी औकात में जाने की, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम क्यों आए हो मेरा पीछा करते हुए? आ जाती ना, तुम्हें पता है दोस्तों मैं जुहू तक आ गई, जुहू तक पैदल अपने घर से जुहू तक आ गई हूँ। कैन यू इमेजिन, मतलब अंदर से भीग चुकी हूँ पूरी तरह से। ये तो बता दो, तुम्हारा घर भी जुहू के बगल में ही है? नहीं जुहू बोल ये क्यों नहीं बता रही हो? अपने घर से जुहू तक अपना घर नहीं बता रही हो? हम बहुत दूर रहते हैं, आपको पता है जुहू से। यार क्या बेबी, है तुमने क्या नौटंकी करी है यार, आ जाती मतलब। और तुम ऐसा लग रहा है ना मैप में देख के कि तुम घोड़े के ऊपर हो, क्योंकि इतनी तेज गाड़ी से भी नहीं मिल रही हो तुम, मतलब ऐसा लग रहा है ऑटो की छत पे बैठ के सवार हो। मैप में तुम्हारी लोकेशन इतनी तेज ततैया भाग रही है वो छोटी सी। अरे यार मैंने ना लोकेशन देख के गलत किया, मैंने लोकेशन इसको इसलिए दी थी क्योंकि हमेशा लोकेशन मांगता ही है, मैं कहीं पे भी हूँ ना वहाँ की लोकेशन मांगेगा, कहीं मीटिंग में गई हूँ वहाँ की लोकेशन, मेरे को वो नहीं है क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस बोले तो यकीन नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है कि धोखाधड़ी कर रही हूँ मैं? नहीं तुम्हारे ऊपर तो यकीन है, दुनिया पे यकीन नहीं है। अच्छा ये बात तो सही है, चिंता करता है मेरी थोड़ी। नहीं मैं एकदम ठीक थी यार, मतलब थोड़ा सा ना रास्ते में हल्की सी दिक्कत हुई। तो मैं मैप में तुम्हारी लोकेशन जो घूम रही है ना यूं करके, ऐसा लग रहा है कोई शराबी जा रहा है।
लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, पीछे पीछे आगे क्रॉस ऊपर यू टर्न, ऐसा लग रहा है कोई शराबी शराब ढूंढ रहा है, उसका टाइम हो गया। क्योंकि क्या हुआ मेरे को, जब भी जैसे ज्यादा लोगों का गुट दिखता है ना लड़कों का, तो मैं वहां से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती हूँ, ये होता है, फिर मैं उस रोड पे वापस जाती हूँ। तो ये मेरी एक आदत है, जैसे लड़कों का झुंड देखती हूँ ना वहां से कट लेती हूँ, अननेसेसरी को छेड़ दे, जो छेड़ देगा उसका तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जो करूंगी उसका फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मिलते हैं, जरा घर पहुंच जाया, गाना सुनते हुए ना पता ही नहीं चलता, लेकिन अब पता चल रहा है कि पैर जम गए, बहुत दूर आई हो दोस्तों, बहुत दूर बहुत दूर। देख लो ये भाई बहन का प्यार यहाँ पे चल रहा है, बहन थोड़ी चिड़ी हुई है भाई से, लेकिन भाई मस्त राम है एकदम, मेरा भोला डाकू है अभी, ढोलक कहीं ए ढोलकी है जी मामा, आपको चिड़ी चिड़ी नहीं करना है भैया के साथ ना, और भैया भी तो काट रहे ना, है बड़ा प्यारा भी, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, मुंह के सारे बाल हटा दिए एक तो, ये ना वो इसने गलत किया आज, इसके गलत हो गया, मैं क्या करूं, ये तो अमिता ने कर दिया ना, बताया भी नहीं, अमिता ने ऐसा कर दिया, मैं कोको के साथ ऐसा कर दिया। सो गया क्या, भरपूर सो गया एकदम, हम भी सो जाते हैं अब, इसके मुंह के बाल कट गए ना, वरना बालों के पीछे आँख छुपा के सो जाता था, हाँ, अब नहीं सो पा रहा, पकड़ा जा रहा है खुली आँखों के, उसकी आँखें इतनी मोटी मोटी है ना, जैसे कटा है ना बाल, तो ऐसे डड्डू जैसी आँखें निकली है ना, मेंढक होता है ना वाला, वही वाली है आँखें इसकी, मेंढक आँखें, जो तेजा तेजा देख रहा तुमको, मेंढक की आँखें वाले कुत्ते। चलो जी हम लोग आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए आप कर लो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, कोको कैसा लग रहा है यही बता दो आज के कमेंट, ठीक है, आपको मैं कोको की हरकतें, कोको की नेचर, और मैं कोको का लुक, बुरा नहीं बोलना, बुरा मान जाता फिर वो, और वो कितना बुरा माने बेबी, अब तो पापा का भी चाहना, मम्मा का भी हो बेटा, ये ऐसे ही था, आज मिलो मोमो, ये मिलो मत मेरा बेटू, ये तो कुत्ता है ही नहीं ना, आई एम सॉरी।